उमरिया जिले के युवाओं के द्वारा पॉलिथीन के प्रति जंग का आरंभ कर दिया गया है, जिसमें युवाओं के द्वारा एक टीम तैयार की गई है, जिसमें जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों पर पॉलिथीन का इस्तेमाल न करने के लिए प्रेरित और जागृत करने का कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें कपड़े के कैरी बैग देकर पॉलिथीन न इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। युवाओं की टीम का नेतृत्व कर रहे युवा हिमांशु तिवारी ने बताया कि पॉलिथीन के उपयोग से हो रहे दुष्प्रभावों से लोग अनभिज्ञ है कि पॉलिथीन के उपयोग से हो रहे दुष्प्रभावों से लोग अनभिज्ञ है या जानते हुए भी अनभिज्ञ बने हैं। पॉलिथीन एक प्रकार का जहर है जो पूरे पर्यावरण को नष्ट कर रहा है और आने वाले समय में पूरी तरह से नष्ट कर देगा। भविष्य में हम यदि इससे छुटकारा पाना चाहेंगे तो हम अपने को पीछे पाएंगे। तब तक संपूर्ण पर्यावरण इससे प्रदूषित हो चुका होगा। इसी सोच के युवाओं की टीम कार्य कर रही है। अब ये टीम पॉलिथीन के उपयोग को कम से कम करने का प्रयास में लगातार कार्य कर रही है। साथ ही जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में जाकर पॉलिथीन के उपयोग के बजाय कपड़े का बैग के उपयोग करने की उपयोगिता बता लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी पहल के तहत युवाओं के द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर कपड़े के बैग वितरण करके पॉलिथीन का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रेरित करने का कार्य किया गया। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और मैं जिला उमरिया से पाली ब्लॉक से हूँ। आज हमारे द्वारा पॉलीथीन को रोकथाम के लिए आज ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में हमारी टीम के द्वारा पहुंचकर वहां पे लोगों को पॉलीथीन न इस्तेमाल करने के लिए जागरूक और प्रेरित करने का कार्य किया गया एवं साथ ही साथ ग्रामीण अंचलों की दुकानों में जाकर वहां पे जो लोग पॉलीथीन में सामान ले रहे थे उन्हें समझाइश दी गई और उन्हें झोले कपड़े के झोले वितरण किए गए और उन्हें ये बताया गया कि आप सभी कपड़े के झोले इस्तेमाल करें क्योंकि पॉलीथीन हमारे लिए, जानवरों के लिए, हमारी प्रकृति के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इसलिए आप सभी लोग जागरूक रहें, प्रेरित रहें और दूसरों को जागरूक करें। साथ ही साथ आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करना बंद कर दें, कपड़े के झोले का या बैग के झोले का या कागज़ के झोले का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। उमरिया से राजश्री मिश्रा की ये रिपोर्ट।